दोस्तों बिग बॉस ओटीटी लाइव फीड में चल रहा है वॉच टास्क न्यू बॉसमैन और बॉस लेडी के लिए। और दरअसल यहाँ दोस्तों बात कुछ ऐसी हुई जो कि शायद प्रतीक जो है काफ़ी ज़्यादा ही अलग गेम खेल रहे हैं। यहाँ दोस्तों आपको बता दूँ, हालांकि उनकी प्लानिंग थी लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको जज करना है। मैं प्लानिंग बता देता हूँ वो क्या कर रहे हैं घर के अंदर, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी इस पर क्या है राय। दोस्तों आपको बता दूँ कि दरअसल अभी बिग बॉस ओटीटी लाइव फीड में न्यू टास्क दिया गया है बॉसमैन और बॉस लेडी टास्क, जहाँ पे कंटेस्टेंट्स को 33 मिनट तक काउंट करना, एक वॉच पे रहेगा और दूसरा जो है नीचे में काउंट करता रहेगा, दोनों भी काउंट कर सकते हैं और जैसे ही 33 मिनट होएगा वो वहां से उतर सकते हैं। अब यहां दोस्तों आपको बता दूं कि अक्षरा सिंह और मिलिंद गवा को सबसे पहले जोड़ी के लिए बुलाया गया है और बाकी कंटेस्टेंट को सिर्फ उनको बातों से ही डिस्ट्रैक्ट करना है। अब यहां दोस्तों आपको बता दूं कि बातों से डिस्ट्रैक्ट करने के मामले में यहाँ पर दोस्तों प्रतीक ने हद पार कर दी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रतीक सहजपाल को जो बात नेहा ने बताई थी बीते दिन, उस बात को आज वो अक्षरा के खिलाफ यूज करते हुए नजर आए, जो कि कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि आज सुबह से उनके पास पूरा टाइम था और वो अच्छे से हंस खेल के बात कर रहे थे, टाल रहे थे उस चीज़ को, लेकिन जैसे ही ये स्टार्ट हुआ उन्होंने सारी बातें छेड़ दी और कुछ एक्स्ट्रा भी बोल रहे हैं जो ना नेहा ने बोला है ना अक्षरा ने बोला है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। आपका इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को, देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।